हिमाचल पथ परिवहन निगम के परिचालकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परिचालक क्लर्क सरकार से समान वेतन की मांग कर रहे हैं। राज्य एचआरटीसी परिचालक यूनियन के बैनर तले 22 जुलाई तक परिचालक क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। राज्य एचआरटीसी यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष कृष्ण चंद ने कहा कि 2006 तक परिचालकों को क्लर्क के समान वेतन दिया जाता था, लेकिन अब परिचालकों को इससे बाहर कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के 4,500 परिचालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार समान वेतनमान देने का निर्णय ले, अन्यथा परिचालक यूनियन अपने आंदोलन को और उग्र करेगी। जो हमारा क्रमिक भूख हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि 1974 से लेकर के आज तक हमारा जो परिवहन निगम का परिचालक था, अपनी समस्या को लेकर के आज तक कहीं भी आवाज़ नहीं उठाई गई, लेकिन 1974 से लेकर के आज मेरा परिवहन निगम का परिचालक जो इतिहास रचाने जा रहा है, ये पहला अवसर है जो परिवहन निगम का परिचालक क्रमिक भूख हड़ताल पे अपनी मांगों को लेकर के बैठ रहा है। मैं जो मेरे पांच प्यारे जो मेरे परिचालक भाई आज अनशन पे बैठे हैं, मैं हिमाचल प्रदेश के समस्त परिचालकों की ओर से इन पांच प्यारों का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारा जो ये अनशन है, जब तक हमारी मांगे हिमाचल सरकार नहीं मानती, तब तक जो है चलता रहेगा। N1 लाइव की स्पेशल रिपोर्ट।